हेलो दोस्तों, उपस्थित हूँ मैं आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो फिर चलो सुनते हैं यह कहानी। अपने पिता के साथ हुई ठगी से मिली एंटरप्रेन्योर बनने की राह। आईआईटी दिल्ली में इंजीनियरिंग और आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट में डिप्लोमा लेने के बाद यशिश दहिया ने इलियाना टूल वर्क्स में बिजनेस यूनिट हेड और बेन एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्ट के तौर पर काम किया। अपनी ओरिजिनल जर्नी शुरू करने से पहले उन्होंने ग्लोबल ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकर फास्ट यूरोप के सीईओ के तौर पर काम किया और इस सेक्टर की बारीकियों को सीखा। इस बीच एक दिन उन अपने पिता से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट पर चर्चा करते हुए उन्हें पता लगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी के जटिल स्ट्रक्चर और एजेंट की चालाकी की वजह से उन्हें एक बड़ी राशि की चपत लग गई। यहीं से उन्हें policybazaar.com शुरू करने का विचार आया, बदल दिया पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। इस घटना से यशिश ने बहुत कुछ सीखा और लोगों को इस बार आम समस्या से दूर करने और उसमें बीमा व निवेश को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल पॉलिसी बाजार शुरू किया, जो आज हर माह 4 लाख इंश्योरेंस पॉलिसी की बिक्री करता है। वेंचर शुरू होने से पहले कस्टमर को पॉलिसी की पूरी जानकारी नहीं की जाती थी, ट्रांसपेरेंसी का अभाव था और इंश्योरेंस पॉलिसी की लैप्स रेट की जाती थी। ऐसे में यशिश ने इस प्रदर्शिता को बदलने की ठान ली और इस पोर्टल की नींव रख दी। यशिश के अनुसार एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने काम को पसंद करना। यशिश का कहना है कि वे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे कि वे भविष्य में क्या करेंगे, लेकिन इस बात पर ध्यान रखते थे कि जो वो कर रहे हैं उसमें एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। परेशानी की वजह से इरादा न बदले। इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट के बाद उन्होंने परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जॉब करने की सलाह मिली। इस बीच में लगातार अपने बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे। कुछ सालों तक जॉब करने के बाद उनके पास थोड़ी सी सेविंग इकट्ठी हो गई थी। उन्होंने कंपनी में काम करने का अनुभव भी प्राप्त कर लिया था। तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप की राह पकड़ ली। सफल होने के लिए प्रयोग करना जरूरी। यशिश का मानना है कि हम सभी के पास जीवन में एक सीमित समय है। इसमें अगर हम थोड़ा सा भी प्रयोग न करेंगे तो वह बहुत सफोकेशनल हो जाएगा। उसके अनुसार आप इस तरह से अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकते। यहाँ आप मालूम है कि आपके साथ होने वाली हर चीज़ फिक्स्ड है, उदाहरण के लिए रिटायरमेंट, सैलरी, काम करने की जगह आदि। अक्सर हमारे पास ऐसा माहौल होता है कि हर कोई हमें लाइफ में सेटल होने और स्टेबल होने की सलाह देता, लेकिन कुछ नया करने के लिए आपको यह क्रम तोड़ना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी हमें ज़रूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग व स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरी है उसको ज़रूर फॉलो करिए। साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।